तो देखिएगा दिल्ली से सीधी तस्वीर। भारत दौरे पर पीएम शेख हसीना आई है। पीएम मोदी और शेख हसीना के बीच द्विपक्षीय बैठक, और इस बैठक पर निगाहें इसलिए भी क्योंकि कई महत्वपूर्ण समझौते इस बैठक के बाद, जल समझौता, इसके इतर सूचना प्रौद्योगिकी विज्ञान को लेकर कई महत्वपूर्ण समझौते इस बैठक के बाद संभव है। अब हम ये तस्वीरें आपको दिल्ली से सीधा दिखा रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने तस्वीर आप तक पहुंचाई है, द्विपक्षीय बैठक की तस्वीरें। इसके बाद उम्मीद है कि साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और हस्ताक्षर भी, चूंकि अगर समझौते होते हैं तो फिर हस्ताक्षर भी दोनों देशों के बीच किए जाएंगे। सबसे पहले तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरों में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना दिखाई दे रही हैं। भारत दौरे पर आई हैं, इससे पहले उनका औपचारिक स्वागत राष्ट्रपति भवन में किया गया था। पीएम मोदी और शेख हसीना के बीच द्विपक्षीय बैठक चल रही है। सबसे पहले तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण क्योंकि बांग्लादेशी पीएम आई हैं भारत दौरे पर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार शपथ लेने के बाद पहली बार राजकीय दौरे पर आने वाली विदेशी मेहमान भी शेख हसीना बनी है, क्योंकि इससे पूर्व जो विदेशी मेहमान आए थे भारत, वो प्रधानमंत्री मोदी के 9 जून को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए आए थे। लेकिन इसके बाद शपथ ग्रहण समारोह 9 जून को और उसके 15 दिन के भीतर ही शेख हसीना पुनः भारत आई हैं। दोनों देशों के संबंध किस तरह से और प्रगाढ़ किए जा सकते हैं, मैत्रीपूर्ण संबंध भारत बांग्लादेश के साथ साझा करता है और पड़ोसी राज्य भारत का। जब आमंत्रित किया गया था 7 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को, तो शेख हसीना सबसे पहले भारत पहुंचने वाली विदेशी मेहमान भी रही शपथ ग्रहण समारोह के दौरान। और भारत दौरे पर आई शेख हसीना के दौरे का आज दूसरा दिन है, उनका राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। दो तस्वीरें, एस जयशंकर विदेशी मंत्री भी मौजूद है इस चर्चा के दौरान, महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी है। विस्तार पूर्वक चर्चा की भी उम्मीद इस दौरान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना के बीच एक लंबी मंत्रणा, गहन विचार विमर्श, क्योंकि जो समझौते हैं वो काफी मायने रखते हैं। जल को लेकर के समझौते की बात हो या फिर प्रौद्योगिकी विज्ञान के क्षेत्र में किस तरह से दोनों देश एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, आयात निर्यात को लेकर के अगर किसी तरह की कोई नए इनिशिएट लिए जा सकते हैं आयात निर्यात को लेकर पे, तो फिर उस पर भी विचार विमर्श किया जा सकता है। दो तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर, बाएं तस्वीर जब द्विपक्षीय बैठक चल रही है। बताया गया कि द्विपक्षीय बैठक के कुछ देर बाद, ये बैठक करीब 50 से 1 घंटे तक रहने की भी बात सामने आ रही। चलिए हमारे सहयोगी अक्षय राय दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। अक्षय, जानकारी दीजिएगा, द्विपक्षीय बैठक की शुरुआत हो चुकी है, अब कितनी देर ये बैठक चलने वाली है, किन अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा? देखिए, काफी महत्वपूर्ण बैठक है। शेख हसीना कुछ दिन पहले भी भारत आई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे, और चूंकि पड़ोसी देश है वहां पर तमाम जो सीमाएं हैं वो लगती हैं, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है प्रधानमंत्री शेख हसीना का दिल्ली पहुंचना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता। राष्ट्रपति भवन में पहले मुलाकात हुई और उसके बाद अब मुलाकात शुरू हो चुकी है। दोनों देशों के अधिकारी भी बैठक में शामिल हैं। ये कहा जा रहा है कि एक तो बॉर्डर इश्यूज को लेकर के इस पर चर्चा की जाएगी, साथ ही साथ कुछ जो घुसपैठ की खबरें लगातार बढ़ी हैं कि बांग्लादेश से जो रोहिंग्या मुसलमान है वो लगातार कई रास्तों से होकर के गुजर रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि उसको लेकर के भी बातचीत की जाएगी। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को किस तरह से सुदृढ़ किया जा सकता है उस पर लेकर के चर्चा हो रही है। ये माना जा रहा है कि व्यापारिक मुद्दों को लेकर के भी और साथ ही साथ सुरक्षा के तमाम मसलों को लेकर के भी इस बैठक में चर्चा होनी है। निश्चित से कह सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश से बहुत मधुर संबंध रहे हैं, और जब भी शेख हसीना को ये माना जाता है कि भारत की दोस्त हमेशा से वो रही है, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात काफी दिन तक हो जाती है, और इस मायने में क्योंकि लगातार दोनों के जो संबंध रहे हैं, जो पर्सनल संबंध रहे हैं वो भी, और जो दोनों देशों के बीच संबंध रहे हैं वो भी हमेशा से मधुर रहे हैं, कोशिश ये की जा रही है कि दोनों देश किस तरह से
एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, खास करके सुरक्षा तंत्र को किस तरह से मजबूत किया जा सकती है, किस तरह से व्यापार को बढ़ाया जा सकता है और किस तरह से जो घुसपैठ है, जो अवैध घुसपैठिए हैं वो भारत के लिए चिंता का विषय है। तो ये माना जा रहा है कि उस मुद्दे को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से उठा सकते हैं, क्योंकि कई राज्यों में खास करके बंगाल, उत्तर प्रदेश और आसाम, बिहार जो सटे इलाके हैं, झारखंड उसमें से कहीं ना कहीं रोहिंग्या मुसलमानों की जो घुसपैठ है हाल के दिनों में बढ़ी है और जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि हर महीने 200 से ज्यादा अवैध घुसपैठिए भारत में प्रवेश कर रहे हैं और एक सिंडिकेट बनाने की उनकी कोशिश है और उस पर भी चर्चा संभव बताई जा रही है। तो काफी महत्वपूर्ण शिखा ये बैठक है और जैसा मैंने कहा कि द्विपक्षीय वार्ता में कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच में किस तरह व्यापार को और बेहतर किया जा सकता है, किस तरह से उनके संबंधों को और दूसरी ऊंचाई पर लिया जा सकता है, इस पर चर्चा की जा रही है। अक्षय, इस बीच एक और जानकारी दीजिएगा, जब द्विपक्षीय बैठक समाप्त होगी तो क्या एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? अभी ये माना जाता है कि अमूमन प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है लेकिन अभी इसके बारे में डिटेल सामने नहीं आया है, लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि शेख हसीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को जरूर संबोधित कर सकते हैं। हैदराबाद हाउस में ये बैठक जारी है और ये माना जा रहा है कि लगभग 1.5 घंटे के आसपास ये बैठक चल सकती है और उसके बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर आयोजित किया जा सकती है, ये बताया जा सकता है कि किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर दोनों देश सहमत हुए हैं कार्य करने के लिए और क्योंकि अधिकारी लेवल भी उसमें शामिल है तो वो एक दूसरे से ये कहा जा रहा है कि कुछ चीजों पर MOU भी साइन किए जा सकते हैं, हालांकि अभी उसके बारे में डिटेल सामने नहीं आया है लेकिन व्यापार को और सुरक्षा को मुख्य बिंदु के रूप में यहाँ पर बैठक में रखा गया है। अक्षय, इस बैठक में कौन कौन से महत्वपूर्ण चेहरे जुड़े हैं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कुछ और तस्वीरें भी? अक्षय, देखिए सबसे बड़ी बात ये रही कि जैसा मैंने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री के जो PMO कार्यालय से संबंधित अधिकारी हैं, इसके अलावा शेख हसीना एक प्रतिनिधिमंडल के साथ वहां पहुंची है, वो अधिकारी शामिल है, विदेश मंत्रालय के भी अधिकारी इस बैठक में शामिल है। जैसा मैंने कहा कि महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है कि किस तरह से व्यापारिक चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से आप बांग्लादेश सहयोग कर सकता है, क्योंकि हाल के दिनों में देखा जाए तो पाकिस्तान और चीन से जो संबंध रहे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ मुद्दों को लेकर के डिफरेंसेस रहे हैं और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बांग्लादेश एक बेहतर रणनीतिक साझेदार भारत का हमेशा से रहा है, चाहे वो कभी भी रही हो, खास करके शेख हसीना का जो ठिकाव रहा है वो भारत की तरफ हमेशा रहा है, दोस्त के रूप में हमेशा से वो भारत के रूप में रही है। तो ये कहा जा सकता है कि उस साझेदारी को और बेहतर समन्वय के साथ किस तरह से एक महत्वपूर्ण दिशा में ले जाया जा सकता है, उस पर चर्चा बताई जा रही है और जैसा मैंने जिक्र किया लगभग 1.5 घंटे के आसपास ये बैठक चल सकती है और उसके बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस संभव है। ठीक है अक्षय, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।